अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं काली माश की दाल, साबुत माश की दाल। ये देखिए जी, ये सर्दियों की मशहूर सौगात जो कि बहुत पसंद की जाती है। आज हम ये बनाएंगे और इसके लिए हमने ली है एक प्याली दाल ले का, और इसके लिए हमने लिए हैं जी 1 से 1.25 चम्मच सुरख मिर्च, नमक हसबे जायका, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन। ये जो हमारे मसाले हम डालते हैं इनमें, इसके साथ ही हम ये लहसुन और अदरक को बारीक बारीक काट लेंगे, सब्ज़ मिर्चों को, इनको तड़के के लिए। ये सब्ज़ धनिया है। तो चलें जी शुरू करते हैं हम आज अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने दाल धो कर अच्छी तरह कुकर में चढ़ा ली, डाल ली है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये आपको पता है इस दाल में पानी ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेती है गलने के लिए और इसको टाइम भी लगता है। ठीक है जी, अब हम इसमें अपने शामिल करेंगे मिर्च मसाले, ये वाले सारे, और अब हम इसको कुकर को कर देंगे बंद। इसको हम जैसे ही हमारी सीटी चलने लगेगी हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए, 5 मिनट ज़्यादा भी चला लेंगे ताकि ये हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम इसको खोलेंगे तो आपको बताएंगे। ये हमारा कुकर जी चलने लग गया तकरीबन ये आधे घंटे बाद, अब हम इसे खोलेंगे फिर आपको दाल दिखाते हैं। ये हमारा टाइम पूरा हो गया और हमने कुकर को खोल लिया। ढकना पीछे रखो, पकड़ो। ये देखें बिल्कुल हमारी दाल बेहतरीन गल गई है जैसी हमें चाहिए थी, और हम इसको बेहतरीन बिल्कुल आधा घंटा हमने टाइम लगाया था और हमारी दाल ज़बरदस्त माश की दाल बेहतरीन गल गई और मिक्स हो गई है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। चलो इसको चूल्हे से साइड पर करें। अब हम दाल को तड़का लगाते हैं। इसमें हमने डाल लिया 1 से 1.5 चम्मच ऑयल है हमारा खाना बनाने वाला, और इसमें अब जाएगा हमारा लहसुन। लहसुन इसको थोड़ा पका के फिर हम इसमें सब्ज मिर्च डालेंगे। ये हमारा हल्का सा ब्राउन होने लगा, अब हम इसके साथ ही सब मिर्चें कटी हुई डाल देते हैं। ये भी साथ ही फ्राई हो हमारी। जीरा, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको सही तरह पता चल जाए हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें नए आने वालों से। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरे का। ये देखिए हमारा तड़का ब्राउन होने लग गया, बस हल्का सा और हो गया, फिर इसको हम दाल में शामिल करेंगे। साइडों से जल्दी हो जाता क्योंकि लहसुन हमने बहुत बारीक बारीक काटा हुआ है सभी कुछ। हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया। चलिए अब हम इसको दाल में डालते हैं। अच्छे करो ये
पैन में डाल के अपना गरम मसाला आधा चम्मच और ये धनिया जो हमने काट के रखा हुआ है इसके साथ अदरक ये शामिल कर देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। देखिए हमारी बेहतरीन दाल तैयार हो गई है। अब हम तेल में डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त हमारी दाल साबुत माश की दाल तैयार है। सर्दियों के बेहतरीन खुराक है। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।